तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नोट पैड के बारे में। मेरे पास जो कमेंट आया था, कमेंट में अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि नोट पैड के बारे में भी आप बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूँ, आप चाहे विंडोज 7, चाहे विंडोज 8 या विंडोज 10, कोई भी इसमें से आप यूज़ करेंगे, उसमें नोट पैड प्री इंस्टॉल, यानी कि इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, या सिस्टम प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे कैटेगरी हैं, मैं शॉर्ट में बता दूँ। सॉफ्टवेयर जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे कैटेगरी होती हैं सॉफ्टवेयर की। तो आज के विषय में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो नोट पैड ओपन कैसे करो, ओपन करने के लिए आपको, अगर विंडोज 10 में है तो आप यही देख सकते हैं विंडोज 10 में किस तरह से ओपन होता है। 7 में भी सेम टू सेम ओपन होगा। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे एक्सेसरीज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेसरीज आपको ढूंढना है, एक्सेसरीज कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो मिला ये, यहाँ पर आपको विंडोज़ एक्सेसरीज़ के नाम से भी दिख जाएगा, ठीक है, या तो एक्सेसरीज़ या तो विंडोज़ एक्सेसरीज़, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा। विंडोज़ एक्सेसरीज़ में जब जाएंगे तो इसके अंदर ही आपको नोट पैड, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये जितने सारे प्रोग्राम होते हैं, ये सब होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम नोट पैड ओपन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये पहला तरीका हो गया जो कि बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा है विंडोज 10 में, यहाँ पर सर्च ऑप्शन आता है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सर्च ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। विंडोज 8 में भी है, 7 में सर्च ऑप्शन जब क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन एक दिक्कत दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करके आप यहाँ पर नोट पैड टाइप कर सकते हैं और ऊपर आपको वही नोट पैड वही चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, यानी कि अगर आप कंट्रोल पैनल भी टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल खोलेगा, कंट्रोल पैनल दिख जाएगा। तो जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो सब इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन जो हम लोग करते हैं, जो सिखाते हैं, या शॉर्टकट जो ओपन करते हैं, विंडोज़ के साथ में आर बटन प्रेस करते हैं, यानी कि रन कमांड को यहाँ पर ओपन करते हैं, रन प्रोग्राम को, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करते हैं सिंपली नोट पैड, ठीक है। जैसे आप नोट पैड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर नोट पैड खुल जाएगा। रन कमांड एक रन प्रोग्राम जो है, इसमें कमांड भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है रन प्रोग्राम। एक दिन में रन प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे कमांड लेके आऊँगा और उसका वीडियो बनाऊँगा, जो कि बहुत यूज़फुल है, जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं सबको जानना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम और ख़राब नहीं करते हैं। आप बोलोगे भैया आप टॉपिक पे तो आ, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर नोट पैड में इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नोट पैड का जो कितने डिवाइड किया जाता है, जैसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड और नोट पैड, यानी कि ये भी सेव नहीं हुआ, इसे अनटाइटल्ड किसी भी नाम से सेव करते हैं तो यहाँ पर नाम आ जाता है, जैसे हमने इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो ये उसी नाम से अभी आगे, अभी ये बन गया नाम और नोट पैड प्रोग्राम, ठीक है। ये है हमारा टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है मेनू बार, ठीक है, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, ये मेनू बार है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे, ये टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं। अभी आते हैं, इस टेक्स्ट एरिया का बहुत सारा काम है। नीचे के साइड में यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये हाइलाइटेड नहीं है, हाइलाइटेड तभी होगा जब ये लाइन पूरा चला जाएगा, तो हाइलाइटेड होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये आ गया, ये देखिए हाइलाइटेड है ये, इसे स्क्रोलर कहते हैं, स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर, ठीक। यहाँ पर एक राइट साइड में भी है, तो अगर हम नीचे लिखते जाएंगे तो वो वाला भी एक्टिव हो जाएगा, देखिए हो गया, ये देखिए स्क्रोलर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बार है नीचे वाला, यहाँ पर लाइन 42, कॉलम 100% व्यू में, ये सब कुछ यहाँ पर, इसकी फॉर्मेटिंग सब कुछ यहाँ पे बता देता है कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और आते हैं, ठीक है। अब नोट पैड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल नोट पैड सुनने में तो लग रहा है नोट पैड छोटी सी बात है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको नोट पैड ज़रूर बताया गया होगा। तो नोट पैड में आपने पढ़ा होगा कि सिंपली यहाँ पर जैसे पैड होती है, शॉर्टकट में कुछ लिख दिया, कुछ हो गया, उसको हम नोट पैड बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन नोट पैड को इतना सिंपल नहीं लेना है, नोट पैड एक मतलब इसमें काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड टेक्स्ट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है,
जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो होते हैं, डेवलपर जो होते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और HTML जो भी वेबसाइट बनती है वो नोटपैड में ही बनाते हैं, और अलग अलग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बन सकता है, लेकिन नोटपैड में भी सॉफ्टवेयर जरूर बनाते हैं, यानी कि कोडिंग जिसको बोलते हैं, बेसिक कोडिंग, HTML कोडिंग वो नोटपैड में ही करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड में कोडिंग करके आप उसको किसी ब्राउजर में चला सकते हैं, करा सकते हैं। एक दिन मैं कोडिंग क्लास भी लेके आ जाऊँगा, HTML कोडिंग क्लास। मेरे को 100% नहीं आता है, जितना आता है मैं उतना आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि नोट पैड में कोडिंग क्लास आप कराइए तो जरूर कराएंगे। ठीक है, HTML कोडिंग जो जो इस तरह से होता है देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होती है जो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है यहाँ पर, लास्ट में इसको बंद करना है तो यहाँ पर एक स्लैश लगाना पड़ता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बस बेसिक वाला चीज़ इसको बताऊँ। चले, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है नोट पैड इतनी सिंपल प्रोग्राम नहीं है, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम के साथ विंडोज़ के साथ इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। नोट पैड में हम सिंपल टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और कुछ टाइप कर लेता हूँ। किसी ने मेरे को कमेंट किया है कि सर टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का कोई जादू मंत्र नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आपको अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर है, टाइपिंग ट्यूटर है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में मिलते हैं, और उसमें जिस तरह आता है वो उस तरह से आप उस पर काम करते रहिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और टाइपिंग मैं बता दूँ साथ साथ, टाइपिंग बिना प्रैक्टिस के टाइपिंग नहीं होगा आपकी, कुछ भी कर लो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा, अब जितना डेली का टाइम लगाएंगे, यानी कि डेली अगर आप 4 घंटा टाइपिंग करते हैं तो 1 महीने में आप काफ़ी अच्छे खासे टाइपिंग स्पीड आपका आ जाएगा, ये आप मान के चलो। और टाइपिंग कैसे करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में आप कुछ ऐसे मतलब खड़ा करके आप कुछ न्यूज़पेपर रखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर रखिए, और उस कोई किताब रखिए और उसको देख देख के टाइपिंग करिए। पहले तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करिए, पहले ASDF, JSJKL जो पहले होम रो होती है इसको टाइपिंग किया जाता है, उसके बाद QWERTY ऊपर वाला रो किया जाता है, फिर ZXCVVNM ये सब टाइप किया जाता है। तो ये कीबोर्ड इसी तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, कि टाइपिंग स्पीड को अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि कीबोर्ड पर देखिए सीरियल वाइज तो ABCD तो है नहीं, ये कुछ अलग अलग है, तो इसीलिए है। ठीक है, कि टाइपिंग स्पीड हम अच्छी तरह से कर सके, तो आपको टाइपिंग सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए टाइपिंग के ऊपर मैंने कोई खास मैंने वीडियो बनाया नहीं है, फिर भी एक दिन एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं बकबक कर दिया हूँ, तो बातें महत्वपूर्ण थी, तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, लिखा है। अब यहाँ पर आते हैं लाइन को तोड़ना जोड़ना। नोट पैड के अंदर लाइन बहुत लंबी लाइन लिख सकते हैं, जितना मर्जी लिख सकते हैं। तो ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। तो कर्सर पेज के अंदर जहाँ पर होता है वहाँ पे हमारा करंट वर्क होता है, यानी कि वहाँ पे हम काम कर, जैसे यहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमको जहाँ से लाइन को तोड़ना होता है वहाँ पे कर्सर को ले जाके हमको एंटर प्रेस करना है। इसे गिव्स द डिजायर्ड से हमको लाइन को तोड़ना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन बनाना है तो एंटर प्रेस करना है, तो वहाँ से एक नेक्स्ट लाइन बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से भी एक लाइन बनाना है, लाइन तोड़ना और जुड़ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, चाहे एमएस वर्ड में काम करेंगे, चाहे ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, तो हम पर यही काम आएगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करके हमने लाइन को तोड़ दिया। अब जुड़ने के लिए क्या करेंगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका है, देखिए लाइन को जुड़ने के लिए पहले लाइन के ऊपर आइए, जैसे TIC यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, और आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से डिलीट बटन, तो ये आपको वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला लाइन को जोड़ना है तो ऊपर कर्सर को रखिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, तो लाइन जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे डिलीट बटन प्रेस करने पे ये लाइन जुड़ा क्यों है, इसको जुड़ना बोलेंगे क्या बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है, बीच में खाली स्पेस ज़्यादा हो गया, अब इस स्पेस की वजह से यहाँ THE और इनपुट के बीच में दूरी बढ़ गई है। ठीक है, अब इस स्पेस को ही मिटाना होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन के अंदर एक एंटर का फासला, यानी कि एक एंटर हमने किया तभी दूसरी लाइन बना,
ऐसे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं, यहाँ से अगर डिज़ायर से अगर हम एंटर करते हैं तो एक क्या होगा, वहाँ से एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंटर करके दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं तो गिव्स द डिज़ायर आउटपुट के बीच में एक एंटर किया हुआ है। ठीक है, ये इसको आपको समझना है, इस हर एक प्रोग्राम में सेम ही, अलग नहीं। ठीक है, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर इसका डिलीट किया तो एंटर को मिट जाता है, लाइन जुड़ जाता है। और अगर आपने नीचे वाले लाइन पे डी के पास आप कर्सर को ले आए हैं तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, ध्यान से बैक स्पेस। ठीक है, तो भी जुड़ जाएगा। अब इन दोनों का काम कैसे हो रहा है तो आपको लॉजिक समझा देता हूँ, सिंपल प्रोसेस है। मान लो जो यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, यहाँ पर कर्सर हमारे पास है, अगर आप डिलीट प्रेस करोगे तो क्या होगा, मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो कर्सर के राइट, यानी कि आप सामने बैठे हैं सिस्टम के, तो आपके राइट को ही कर्सर के राइट साइड बोला जाएगा, आपके लेफ्ट को कर्सर की लेफ्ट साइड बोला जाएगा। तो अब कर्सर के राइट साइड की जितनी स्पेस है वो डिलीट हो रहा है, और उसके बाद जितने सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़दीक आता है, क्योंकि जगह खाली हो गया तो वो भर जाता है, उस जगह को वो ले लेता है। ठीक है, और अगर यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, यानी कि कर्सर के जो लेफ्ट साइड वाले स्पेस है वो मिट रहा है। देखिए इस तरह से, ये बैक स्पेस, ये डिलीट। ठीक है, नहीं समझ आया, एक बार और बताते हैं। अब आपको मैं कुछ इस तरह बता देता हूँ, अड़ा टेढ़ा लिख के। हमने यहाँ पर बहुत सारे उल्टे सीधे टाइप कर दिए। ठीक है, अब हमारे पे कर्सर जो है हमारा यहाँ पे है, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए राइट साइड के सारे करेक्टर मिटते जाते हैं। ओके, लेफ्ट यानी कि बैक स्पेस अगर प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड के सारे करेक्टर मिट जाते हैं। यही लॉजिक है इसमें, बस लाइन को तोड़ना और लाइन को जोड़ना। ठीक है, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो नोटपैड में बिल्कुल नए हैं, या कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, या ऑनलाइन में कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए नोटपैड के बारे में बताया गया। डिटेल्स में बता रहा हूँ, आज एक ही वीडियो में नोटपैड कवर करूँगा, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, जिनको नोटपैड के बारे में मालूम है, पता है, उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। ठीक है, फिर भी आप लास्ट तक वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें है। तो लाइन को तोड़ना जोड़ना आपको आ गया। ओके, अब अगर यहाँ पर हमने कर्सर रखा, लाइन किसी भी लाइन के एंड में अगर कर्सर रखते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं तो नीचे लाइन बनता है, फिर एंटर करोगे फिर एक लाइन बनेगा, फिर एंटर करोगे फिर एक लाइन बनेगा। देखिए इतने सारे गैप हो गए, यानी कि एक एक लाइन बन गया है। आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, ऊपर जाकर यहाँ टाइप कर सकते हैं, ऊपर जाकर यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मिटाना है कुछ नहीं, पीछे वाले एकदम फर्स्ट लाइन के वहीं पे कर्सर को ले आए, जहाँ जहाँ से आपको जोड़ना है, आप डिलीट बटन प्रेस करते रहिए। देखिए नीचे की लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा और नीचे की लाइन नज़दीक आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की जो आपने एंटर कर करके जगह को खाली किया था, लाइन बनाया था, वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो डिलीट बटन प्रेस करने से कर्सर के राइट साइड वाला डिलीट होता है, बैक स्पेस प्रेस करने से कर्सर के लेफ्ट साइड वाला डिलीट होता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम फाइल मेनू में, यही लाइन तोड़ना जोड़ना यही वाट में काम आता है। ठीक है, अब आते हैं हम फाइल मेनू में। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कैपिटल में करना चाहते हैं, स्मॉल में करना चाहते हैं, तो नोटपैड का एक खासियत ये है कि अगर ऐसे करेंगे तो आप नया पे पूरे को कर देगा कैपिटल में, पूरे को कर देगा स्मॉल में। यानी कि अगर आप चाहते हैं इसको स्मॉल लेटर में करना या कैपिटल लेटर में करना, तो अपने आप ये सारे को कर देता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर उसमें कर देगा। ठीक है, अगर आप टाइप करेंगे यहाँ पर स्मॉल कैपिटल अलग से तो ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल में टाइप तो कर देगा, लेकिन अगर आप करने चाहेंगे तो नहीं होगा। इसकी यही खासियत है। अगर अब मैं आगे बताता हूँ, किसी के साइज़ छोटा बड़ा करेंगे तो सबके साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में या वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर की अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। तो अब आते हैं हम मेनू बार के अंदर, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प। फाइल मेनू पर क्लिक करते ही आपके सामने न्यू विंडो ओपन, सेव सेव स्पेस सेटअप प्रिंट एग्जिट, ये सारे मिल जाते हैं। और न्यू सबके बगल में लिखी होती है एक एक हिट की, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट कीज। ठीक है, हिट की नहीं, हिट की मैं बताता हूँ क्या होता है, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल पी, एग्जिट। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है पहले जान लीजिए। ठीक है, कंट्रोल एन
कि न्यू पेज किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल एन से नया पेज ही खुलता है, ठीक है। नया पेज बनाना, न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक अलग से नोट पैड विंडो खुल जाएगा। ओपन, पुराने फाइल को हमको खोल के देखना है। सेव, करंट फाइल को सेव करना है। एक करंट में जो भी आप कुछ छोटा मोटा काम करते हैं उसको भी सेव करना होता है। जैसे आपने आज 4 लाइन लिख दी और उस फाइल को बंद किया सेव करके, और आपने अगले दिन उसी 4 लाइन के बाद और 4 लाइन आपने लिखा, तो आपको कंट्रोल एस कीबोर्ड से या तो यहाँ पर सेव में क्लिक करना होगा, नहीं तो बाकी 4 लाइन अभी अभी जो आपने लिखा वो नहीं सेव होगा। ओके, सेव एज, एक ही फाइल को अलग अलग कितने भी नामों से सेव कर सकते हैं, ठीक है। पेज सेटअप, मैं बता दूँ पेज सेटअप और प्रिंट नोट पैड में काम पे इतना नहीं लिया जाता, तो इन दोनों को हम स्किप करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए न्यू से क्या होता है देखते हैं। तो ये हमने सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब जैसे हम न्यू लेते हैं, नया नोट पैड आ गया, ठीक है, एकदम नया फ्रेश पेज आ गया, ठीक। ओपन करेंगे, न्यू विंडो करेंगे तो देखिए दूसरा एक नोट पैड खुल जाएगा। यहाँ पर एक दो 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 नोट पैड खुल गया। अगर आप यहाँ पे आके फिर से अगर न्यू विंडो करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन, तो तीसरा एक नोट पैड विंडो खुल गया। देखिए फटाफट फटाफट खुल रहा है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत अभी है नहीं। आगे बढ़ते कंट्रोल ओ यानी कि ओपन। ओपन करने से अभी अभी हमने फाइल सेव किया था जिस नाम से, उस फाइल को क्लिक करें। ये सारे नोट पैड की फाइल है, इसकी सिंबल कुछ टेक्स्ट इस तरह से सिंबल आता है। हर एक सॉफ्टवेयर के, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसकी जो फाइल बनती है उसमें एक सिंबल ज़रूर होता है। उस सिंबल से भी उसको पहचाना जाता है। और नोट पैड की जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो है TXT, इसकी एक्सटेंशन है TXT, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूँ नोट पैड में बहुत सारे बैच फाइल बनाते हैं, CMD फाइल बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, HTML बनाते हैं, EXE भी बना देते हैं। मतलब आप जैसे, चलिए डेस्कटॉप पर इसको सेव करें, कैसे मैं सिंबल में दिखा देता हूँ, बोल दिया तो बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो फाइल है, देखिए इसकी सिंबल देखिए कैसा है, ठीक है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इस तरह से, ठीक है। अब इसे मैं सेव एस में जाऊंगा, यानी कि इसी को अलग नाम से सेव करता हूँ। उसको नोट पैड भी रख सकते हैं, सेव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस नाम को यहाँ पे डॉट लगा के अगर मैं CMD टाइप कर दूँ, तो भैया ये प्रोग्राम फाइल कुछ बन जाएगा, यानी कि ये रन हो सकता है। इस नोट पैड के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उस तरह से सिस्टम में काम होगा। तो आप समझिए कि टेक्स्ट टाइप करके आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं नोट पैड में सेव, ठीक है। अब इसको देखिए, इसकी सिंबल को देखिए, इसका सिंबल देखिए बदल गया, ये सिस्टमेटिक सिंबल, ये ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करना चाहेंगे इस तरह से, एक डॉज मोड खुलेगा और इस तरह से बंद हो जाएगा। देखिए कि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो कुछ टाइप ही किया है, तो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है इस तरह का फाइल बनाने से। हमने क्या डाला था, CMD। उसके बाद अगर आप सेव एस में जाके यहाँ पर CMD की जगह अगर बैच फाइल बनाते हैं, इसको बैच बोलते हैं, ये भी वैसा ही सिंबल आएगा, और देखिए ये भी वैसे सिंबल आएगा और इस तरह से खुलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो नोट पैड के अंदर ही छोटे छोटे, आपको बता दूँ नोट पैड के अंदर वायरस भी बनाते हैं। बात तो छोटी लग रही है, लेकिन नोट पैड के अंदर वायरस भी बना सकते हैं। चलिए उसको छोड़िए, वायरस के ऊपर काम नहीं कर रहे अभी। तो नेक्स्ट फाइल मेन्यू में चलते हैं। देखिए एक बात के अंदर कई सारे बातें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेज सेटअप, इसको हम स्किप करेंगे, बोल दिया हम। प्रिंट इसको भी स्किप कर देंगे, एग्जिट से आप नोट पैड के प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर कुछ टाइप कर देते हैं और हम अगर इसको एग्जिट करते हैं तो ये बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है अभी अभी आपने कुछ टाइप किया है। क्या उसको सेव करूँ? अगर सेव करूँ तो सेव, डोंट सेव तभी बाहर आएगा, कैंसिल तो कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं दूसरा एक फाइल नोट पैड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, बूटिंग मीन्स द लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, यानी कि एक्सटर्नल डिस्क, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है सबको, और हमारा एक सीरीज चल रहा है कंप्यूटर कोर्स हिंदी में, उसमें भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव तो आपको पता है, पहली बार सेव करेंगे तो यहाँ पर नाम पूछेगा, आपने नाम दे दिया, और यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पे देखिए दिस PC डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। कहाँ सेव हो रहा है? आपके यहाँ से अगर आप दिस PC में क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी कर सकते हैं,
इस एरो बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिस पीसी मतलब आपके हार्ड डिस्क के अंदर जितने पार्टीशन है वो यहाँ पर दिखाएगा, और जो भी पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये फाइल जाकर सेव होगा। तो फिलहाल हम इसे डेस्कटॉप में सेव करते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप पे सेव किया, पहले से नोटपैड की फाइल ओपन हुआ पड़ा है तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से अगर ऑल फाइल करेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर जितने सारे चीज़ें सब यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। चलिए, वो भी अलग चैप्टर ही हो गया। तो हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब देखना ऊपर यहाँ पर जो टाइटल बार में बॉस नोट पर लिखा है, अब अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो बी के बगल में एक स्टार का सिंबल आ जाएगा। देखिए, ठीक है, एक सिंबल आ गया। अब ये सिंबल क्या कहलाता है, आपने नोटिस किया होगा या जो उसने नहीं किया वो है कि आपने ऐसा इसमें टाइप कर दिया है जो अभी तक सेव नहीं हुआ, आपने कुछ नया टाइप किया है आपके फाइल के अंदर पेज के ऊपर जो कि सेव नहीं हुआ, इसलिए स्टार आ रहा है। जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं स्टार हट जाता है, हमने कर दिया हट गया। फिर भी कुछ आप अगर लिखते हैं, एक स्पेस भी डाला, कुछ डॉट डाला, कुछ भी डाले वो वहाँ पर स्टार बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल एस स्टार हट गया, यानी कि स्टार नहीं है, यानी कि आपका फाइल पूरा सेव है। आप क्लोज करेंगे ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फाइल मेन्यू का आपका हो गया है, ठीक है। अब आपको बताते हैं इसकी एक शॉर्टकट की। आपके कीबोर्ड पर एक अल्ट बटन है ALT, उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस हो रहा होगा कि फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, हर एक मेन्यू बार के जो टाइटल लिखा है फाइल में F के नीचे एक माइनस का साइन, एक अंडरलाइन हो गया है, फॉर्मेट के ओ के नीचे हो गया, एडिट के ई में, व्यू का वी में और हेल्प का एच में हो गया ना। अल्ट प्रेस करेंगे हट जाएगा, फिर प्रेस करिए हो गया। अब इसका मतलब क्या है, या वर्डपैड में या एक्सेल पावर पॉइंट किसी में भी करिए, सेम प्रोसेस कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे उसमें यही प्रोसेस है। ALT प्रेस कर दे, ये सब हाईलाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसे बोलते हैं हिट की। हिट के मतलब अगर आप यहाँ पे आपका कर्सर देखिए फाइल में हाईलाइट है, अगर आप अल्ट प्रेस कर दिया आपने और हिट किया आ गया, अब ओ प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट वाला मेनू खुल जाएगा, ठीक है। मेनू खुल गया, अब उस मेनू के अंदर क्या है, वर्ड रफ है और फॉन्ट है, इसके भी दोनों में हिट की लिख दिया हुआ है, W में F में। अगर आप F प्रेस करेंगे, देखिए माउस हम हाथ नहीं लगा रहे, F प्रेस करेंगे तो फॉन्ट ऑप्शन खुलेगा। ओके, खुल गया। अब इसके अंदर भी देखिए, फॉन्ट के अंदर F के नीचे हाईलाइट है, फॉन्ट स्टाइल में Y के नीचे हाईलाइट है, साइज में S के नीचे हाईलाइट है, स्क्रिप्ट नीचे देखिए R के नीचे हाईलाइट है। तो यहाँ पर आपको बिना माउस का R प्रेस करेंगे तो सीधे स्क्रिप्ट में आ जाएगा। अरे पहले तो अल्ट के साथ में F प्रेस कर दिया, फाइल में उसमें आ गया, ठीक है। अब Y प्रेस किया, स्टाइल में आ गया, अल्ट के साथ S प्रेस किया, साइज में आया, अल्ट के साथ R प्रेस किया, स्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। इस तरह से ये है डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खुल गया तो आप अल्ट प्रेस करके आगे आगे बढ़ना है। F में गए, Y स्टाइल में गए, S साइज में गए, R स्क्रिप्ट में गए, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से यार डायलॉग बॉक्स हटाने के लिए ESC बटन को प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। तो आपको पता लगा कि अंडरलाइन जो होता है इसको क्या मतलब है, यह हिट की यानी कि इसे डायरेक्ट प्रेस करते हैं पहचाना, चाहे अल्ट F प्रेस करते हैं तो फाइल मेनू खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू W O O और सेव सब में एक हिट की लगा हुआ है ना। अब ओ प्रेस करेंगे, यहाँ पे अल्ट एफ ओ प्रेस करेंगे, ओपन करने के लिए बोला भाई, क्या ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, सिलेक्ट करो। यहाँ पर भी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, टैब कीबोर्ड, टैब की मदद से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और डाउन एरो आप एरो की मदद से कहीं पर जा सकते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ से कोई फाइल खोल सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड की मदद से। हमने खोल दिया, ठीक है, एंटर किया, अल्ट एफ चले गए। यहाँ पे आप ऐसे भी जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, या डायरेक्ट उसी हिट की का, जैसे पेज सेटअप का यू में है तो यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप का मेनू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा, क्रॉस कर सकते हैं, या आप ESC प्रेस कर सकते हैं तब भी ये हट जाएगा। ESC में यानी कि हमने राइट क्लिक किया तो पॉपअप मेनू बोलते हैं, ये खुल गया, ESC प्रेस किया हट गया, ठीक है। इसके बोलते हैं ESC मतलब इसके, ओके। अल्ट ई प्रेस करेंगे तो एडिट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। आते हैं एडिट मेन्यू में क्या क्या चीज़ें, देखिए
ये जो वीडियोस है इसको आप ध्यान से, मतलब 24-25 मिनट हो गया है, अगर आप आराम से देखेंगे, है ना, और रिपीट करके भी देखेंगे, तो आपको नोटपैड में कोई सवाल नहीं रहेगा, आप सारा कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो एडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए बताते हैं। अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, इसमें भी देखें अंडरलाइन है एक एक लेटर के नीचे, तो उसके मतलब तो मालूम पड़ गया। अब आते हैं अंडू का क्या काम है। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, रेडू मतलब एक स्टेप आगे जाना। यहाँ पर रेडू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अंडू का जो शॉर्टकट की है Ctrl Z है, रेडू का शॉर्टकट की है Ctrl Y, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ CTRL को कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल के साथ में सारे शॉर्टकट कीज लिखा है। आप बिना मेन्यू खोले डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज की मदद से ये सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो Ctrl Z अंडू, तो देखिए अंडू का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, बढ़िया, Ctrl Z कर दिया, यानी कि इससे पहले खाली था, हमने लिखा, Ctrl Z करते हैं, इससे पहले ये था, और एक बार Ctrl Z करते हैं, इससे पहले ये था, ठीक है। तो यहाँ पर Ctrl Z 2 बार ही काम करता है, अब ध्यान रखना नोटपैड में 2 बार ही काम करता है, और इसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बहुत है। अब बाकी में 13 बार, 24 बार, और एक सेटिंग आती है जहाँ पर हम उसको कंटिन्यूटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अंडू का समझ आया कि पिछले में जैसे कि मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है हम टाइप करते करते, तो Ctrl Z करके कर सकते हैं अंडू, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको कोई पेन ड्राइव आपने अटैचमेंट किया है अपने सिस्टम के साथ में, पेन ड्राइव से आपको डाटा रखना है, कट करना, कॉपी करना, या पेन ड्राइव के अंदर सिस्टम से डाटा रखना है, कोई फाइल रखनी है, तो इसकी मदद से करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट। वही शॉर्टकट कीज Ctrl C, Ctrl S, Ctrl V, वही शॉर्टकट कीज वहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X। उसके लिए हमें करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने हाईलाइटेड होता है इसको सिलेक्ट बोलते हैं। हाईलाइटेड आइटम में क्या हुआ, बैकग्राउंड हो गया आपका ब्लू, मतलब पेज ब्लू कलर में हो गया, और फोरग्राउंड जो हमने टाइप किया वो वाइट में हो गया। ये सिलेक्टेड कलर का सेटिंग है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं, वो बहुत आगे की बात है। नॉर्मल जब सिलेक्ट नहीं है तो हमारा बैकग्राउंड में कौन से कलर है, वाइट, ओके, और हमने टाइप किया ब्लैक में, मतलब फोरग्राउंड बोलते हैं ऊपर में, ठीक है। एक पीछे बैकग्राउंड, आप अगर किसी पेज के ऊपर लिखेंगे तो पेज आपका वाइट पेज होगा, ऊपर आप पेंसिल से, पेन से अगर कुछ ड्रॉ करेंगे लिखेंगे तो वो आपका फोरग्राउंड हो गया, मतलब ऊपर का, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो एक कलर में चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए पता पड़ता है इतना हिस्सा हमारा सिलेक्टेड है। अब जितना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे वही कॉपी होगा, वही कट होगा। अब हमने आउटपुट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का तरीका कीबोर्ड से बता दूँ, जहाँ पर कर्सर है वहाँ पे आपको वहाँ से राइट साइड वाला सिलेक्ट करना है, यानी कि डिजायर्ड की तरफ का सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए प्रेस करके, और आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ 1-1 कैरेक्टर आपका सिलेक्ट होगा, ओके। और अगर कर्सर को वहाँ रखे, शिफ्ट को होल्ड करके लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड में 1-1 कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, ठीक है। और कर्सर जहाँ पर है वहाँ से अगर आप अप या डाउन एरो प्रेस करते हैं शिफ्ट को होल्ड करने के बाद, तो 1 by 1 लाइन आपका सिलेक्ट होगा एक साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर हमारा लास्ट वाले पे स्टार्टिंग पॉइंट पे है, हमने शिफ्ट होल्ड किया, अप बटन, अप एरो प्रेस किया, तो ऊपर के 1-1 लाइन सिलेक्ट हो गया। अब इन लाइनों को हमको दोबारा लिखना है, हम टाइप थोड़ी करेंगे, हमने लिख लिया है सेम एज इट इज़, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चले गए एडिट में चले गए, ठीक है, और कॉपी पे क्लिक किया, भैया कॉपी तो हुआ नहीं। तो कॉपी का मतलब है एक बार पेस्ट आपको करना है, कट का मतलब है पेस्ट आपको करना है, तभी यूज समझ आता है, ठीक है। कॉपी तो मेमोरी, कंप्यूटर की बफर मेमोरी है, वहाँ पर ये चला गया, ठीक है। अब कर्सर को आप जहाँ रखेंगे, यहाँ रखिए, एंटर करके यहाँ रखिए, जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे इस मैटर को हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आ गया, ठीक है। अब आ गया इसका मतलब मेमोरी साफ हो गया, नहीं, मेमोरी में उतना ही है जितना हमने अभी अभी सिलेक्ट किया था। फिर से पेस्ट करेंगे, Ctrl V इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी शॉर्टकट कीज, फिर से वही आ जाएगा, फिर से करेंगे फिर से आएगा, जितने अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने
यहाँ पर इतना फिर से कॉपी कर लिया, रिट में चले गए, कॉपी कर लिया। अब अगर पेस्ट करते हैं तो क्या पेस्ट होगा, पहले वाला 4 लाइन या इतना इतना जो अभी अभी हमने कॉपी किया। ठीक है, तो लास्ट कॉपी जो करते हैं वो वहाँ मेमोरी स्टोर हो जाता है। ये एक विंडोज़ का एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे कॉपी किए हुए स्टोर होता है। वो मैं आपको बताऊँगा एमएस वर्ड में एक चैप्टर में बताऊँगा, ठीक है, कहाँ कॉपी होता है, कहाँ पे मेमोरी पे सेव हो रहा है जाके, ठीक है, उसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं, क्लिप बोर्ड के अंदर वो सेव होता है 24-25 बार, ठीक है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए वो बाद में एक बार बता दूंगा क्लिप बोर्ड क्या है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो हमारे पास कट। कट का मतलब, कट का मतलब मूव। मूव का मतलब क्या है, एक जगह से लेके दूसरी जगह पर रखना। जैसे आपका मोबाइल टेबल के ऊपर रखा है, आपने मोबाइल को उठाया वहाँ से और कहीं और रख दिया, ठीक है, फ्रिज के ऊपर रख दिया, बेड के ऊपर रख दिया, तो क्या हुआ, उसको मूव बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल को वहाँ से हटा के वहाँ रख दिया। उसी तरह से टेक्स्ट का भी मूव कर सकते हैं, एक जगह से हटा के दूसरी जगह, उसको हम कट कट बोलते हैं। तो प्रोसेस को हमने सिलेक्ट कर लिया, याद रखना कट कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, बिना सिलेक्ट करे कट कॉपी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कट जब करना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स, हट गया भैया, यहाँ तो हट गया, हट गया लेकिन कंप्यूटर के मेमोरी में आ गया, क्लिप बोर्ड में आ गया, बफर मेमोरी बोलते हैं। अब इसको आप जहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं कंट्रोल भी, यहाँ प्रोसेस आ गया, यहाँ रखना चाहते हैं कंट्रोल भी, जितनी बार रखना चाहते हैं उतनी बार ये प्रेस हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं डिलीट। डिलीट का तो पता है आपको, डिलीट मतलब मिटा देना, हटा देना। तो डिलीट हमें कितना करना है, हमने ये लाइन जो लिखा है सिलेक्ट कर लिया, इसको कट करेंगे, कॉपी करेंगे या डिलीट बटन से प्रेस करेंगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। डिलीट हो गया, डिलीट, ठीक है, ये डिलीट बटन का काम है। ठीक है, और अगर आप एक एक लाइन एक एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो कैरेक्टर को इधर लाइए, लेफ्ट साइड में लाइए और राइट वाला डिलीट, अभी शुरुआत में जो हमने बताया वही काम करता है डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट करिए या वन बाय वन करिए। ठीक है, चलिए सर्च विथ बिंग, अभी ये इंटरनेट खोल देगा, इसीलिए हमको इंटरनेट पर नहीं जाना। ठीक है, विंडोज़ 10 में जो ओपन कर रहे नोटपैड आपको ऑप्शन दिखेगा, अगर विंडोज 7 में या 7 में करेंगे तो ये ऑप्शन आपको हो सकता है ना भी दिखे। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अब आते हैं फाइंड, कंट्रोल एफ, फाइंड नेक्स्ट, F3, फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3, रिप्लेस, गो टू सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। ठीक, फाइंड मतलब ढूंढना। अभी आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है इसमें, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी कॉपी बना लेता हूँ थोड़ा सा। आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा है, अब इसके अंदर आपको एक वर्ड ढूंढना है। ठीक है, एक वर्ड ढूंढना है, एक सेंटेंस ढूंढना है, तो उसके लिए हमने जाना है कहाँ, फाइंड। फाइंड में जाते ये पूछेगा आपसे व्हाट, फाइंड व्हाट, क्या क्या ढूंढना है भैया, तो हम इसे बताते हैं कि आप ढूंढो जहाँ जहाँ मैंने इनपुट लिखा है। ठीक है, अप डाउन का मतलब है कर्सर आपका कहाँ पे था उससे नीचे की तरफ, और आप मतलब कर्सर आपका जहाँ पे था उससे ऊपर की तरफ, नहीं समझे, बताता हूँ। अभी हमारा कर्सर देखिए स्टार्टिंग में है, तो जब हम फाइंड करते हैं तो कर्सर को यहीं रखेंगे, अगर आप कर्सर को यहाँ रखेंगे लास्ट में रखेंगे और यहाँ से आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ भी फाइंड नहीं करेगा, कैन नॉट फाइंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। क्यों, अगर आप में इस तरह का कुछ एरर आ रहा है, इसका मतलब कर्सर आपका एंड में, आपको क्या फाइंड करना, अगर एक लेटर भी अगर इधर रखेंगे तो आ जाएगा, देखिए फाइंड, सॉरी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब फाइंड नेक्स्ट, अब कहते हैं क्या फाइंड करना है, कर्सर हमारा बीचों बीच था, ऊपर की तरफ ढूंढना है, नीचे की तरफ ढूंढना है, चलिए नीचे की तरफ ढूंढते हैं, इनपुट ढूंढ को दिखाओ भाई, फाइंड नेक्स्ट, ये दिखा दिया हाईलाइट करके, ये लिखा है भैया फाइंड नेक्स्ट, दूसरा दिखाओ, दूसरा इधर, तीसरी बार इधर, चौथी बार इधर है, ये देखिए। ठीक है, अब करेंगे तो उल्टा उल्टा जाएगा, बैग जाएगा, पीछे की तरफ ढूंढो भाई, दिखाओ,
दिखा रहा है, समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। फाइंड, फाइंड के साथ में क्या था, फाइंड नेक्स्ट, तो हम शॉर्टकट की देख लेंगे F3। अब हम जैसे क्लिक कर रहे थे वहाँ पे, अब हम क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रोल F हमने कर दिया, इनपुट हमने फाइंड कर लिया। अब हम F3 का अगर इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट फाइंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। F3 हमेशा नेक्स्ट का ही फाइंड करता है, इसमें अप डाउन नहीं होता है, जब डाउन डाउन जाता है। तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट तक हो गया, फाइंड प्रीवियस शिफ्ट F3, वो जैसे डाउन वाला अप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे डाउन होगा, शिफ्ट F3 करेंगे तो उल्टा जाएगा अप डाउन, ठीक है। रिप्लेस और गो टू, तो रिप्लेस में चलते हैं, रिप्लेस बहुत मज़ेदार है, ठीक है। देखिए रिप्लेस का इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, हर रोज़ ही करते हैं मान के चलिए। तो रिप्लेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हम एक घंटे के अंदर पूरा मैटर क्लोज कर देंगे, समझा देंगे आपको पूरा, ठीक है। फाइंड व्हाट, पहले पूछा क्या है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, जो था उसको दूसरे में बदलना, ठीक है। आपने कुछ आपके पुराना फ़ोन को रिप्लेस करके नया फ़ोन लिया, नहीं है ना, मज़ा आता है नया फ़ोन में, ठीक है। तो हमने इनपुट ढूंढा, चलिए कुछ और ढूंढते हैं, रोज़ रोज़ इनपुट थोड़ी चलता है, ठीक है। हमने टेक्स्ट ढूंढा, टेक्स्ट कहाँ लिखा है दिखाओ भैया, पहला टेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट ये लिखा है, ओहो इसको तो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव्स होना चाहिए। तो क्या करेगा ये टेक्स्ट को बताइए, गिव्स में बदल देगा, कैसे, जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से बदल गया, बदल गया ना, देखिए बदल गया। तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट है सारे टेक्स्ट को गिव्स में बदलना है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे सब बदल जाएगा एक साथ में। तो इस तरह से कोई लेटर, कोई भी लेटर, कोई भी थोड़ा सा सेंटेंस अगर आपके टेक्स्ट के अंदर काफ़ी बार लिखा है, हज़ारों बार लिखा हुआ है और वो गलत है, हज़ारों बार आप ढूंढेंगे उसे कहाँ कहाँ लिखा है, उसको मिटाएंगे, ठीक करेंगे, ऐसे करेंगे, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, हर एक प्रोग्राम में ऑप्शन होता है। रिप्लेस में जाइए, टाइप कीजिए फाइंड व्हाट में क्या टाइप करना है, उसका रिप्लेस विद में जो आपको कराना है उसको बदल के कराना है, रिप्लेस ऑल करेंगे, ये एक सेकंड में सबको बदल के रख देगा, आपको नहीं टेक्स्ट को, ओके। तो चलिए यहाँ पर आते हैं गो टू, गो टू का इस्तेमाल तो दूसरे इसमें तो पेजेस होती नहीं, एक ही पेज होती है इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ लाइन आता है। अब लाइन नंबर एक यहाँ पे है, हम इसको मिटा के हम यहाँ पर टाइप करते हैं 4, गो टू करेंगे तो कर्सर 4 नंबर पे चला जाएगा, देखिए 4 नंबर के स्टार्टिंग में कर्सर गया, ये यहाँ ब्लिंकिंग, वहाँ पर गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 5-6 नंबर जो भी 7 नंबर टाइप कर दिया सपोज, गो टू देखिए 7 नंबर पे कर्सर। तो गो टू का इस्तेमाल ज़्यादातर हम करते हैं वर्ड में, एक्सेल में, इन सब में, ठीक है, ओके। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट और, सो कंट्रोल ए कहते हैं, कंट्रोल ए हर जगह इस्तेमाल होता है, क्लिक करके देखते हैं पूरी की पूरी टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, इसको हटाना है, इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, आप कर सकते हैं। एमएस वर्ड में काम करेंगे तो सारे अगर लेटर को जितने आपने टाइप किया उसको चेंज करना है या सिर्फ वन बाय वन चेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए होता है ताकि आप पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर सको, ठीक है। चलिए कंट्रोल ए के बाद यहाँ पर एक डेट एंड टाइम, चलिए डेट एंड टाइम बता देते हैं। कर्सर को हमने यहाँ रखा नीचे और डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो आज का जो डेट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है अपने आप। तो आज जनवरी 9 तारीख है 2021 की, रात को 10:42 हो रहे हैं भैया, रात को बना रहे हैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ साइलेंस है, माहौल अच्छा है, ऑडियो की शूटिंग अच्छी होती है, ओके। तो चलते फॉर्मेट ऑप्शन पे, फॉर्मेट पे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फॉन्ट में बताऊँगा, वर्ड ड्रॉप क्या होता है, वर्ड ड्रॉप अभी यहाँ पर टिक लगता है, जैसे हमने क्लिक करेंगे ना आपको पेज के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं दिखा, मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगा, अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखा, हमने क्लिक तो किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है ये पेज कहाँ तक है, यहाँ तक है, मैं दिखा देता कुछ टाइप करता हूँ ऐसे ऐसे और यहाँ तक जाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे गए और यहाँ से
अब जैसे लेटर और टाइप करेंगे तो नीचे आ जाएगा अपने आप। देखिए कुछ और टाइप करें, एच 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 एच, देखिए नीचे। तो जितना हमारा पेज विंडो पे दिख रहा है उतना पेज पे जाके नीचे आ रहा है। ओके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपका पूरी जो नोटपैड जो पूरी एक ही लाइन में बदल गया है तो इस तरह से वर्ड ट्रैपिंग कर देंगे तो सारे लाइन हो जाएंगे। कैसे? जैसे इसका टिक हटा दिया हमने, सब हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर सबको सभी को एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सबको एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इन बटन प्रेस करके, ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसे वर्ड ड्रॉपिंग हटा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इधर खिसक गया, तो ये आप तो पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट करेंगे तो वो भी टेक्स्ट और लंबा हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन जो है कितना लंबा लाइन है, कितना लंबा और कितना लंबा करेगा भैया, बहुत लंबा कर दिया। देखो देखो, आपको परेशानी होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप पूरा देखिए, बोर मत होइए। नोट पैड एक ही दिन में कवर करने वाले हम, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए काफ़ी हो गया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक लाइन था वो और नीचे का लाइन मिटा देता हूँ ताकि समझ में थोड़ा और आ जाए। देखिए एक लाइन कितनी लंबी है, तो आपको पढ़ने के लिए खिसकाना पड़ेगा ना, इसे स्क्रोलर बोलते हैं, इसे डाउन वाला। देखिए लाइन हो गई, ये अनलिमिटेड होती है, कितनी भी खिंच जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट में चल के यहाँ पर वर्ड ड्रॉपिंग को इनेबल कर देंगे, टिक लगा देंगे, तो क्या होगा? देखो क्लिक करें, देखिए क्या हुआ, सारी लाइनें अपने आप टूट के एक ही विंडो के अंदर सेट हो गया, ठीक है, जो हम देख सके पूरी लाइन। ठीक है, ये काम है इसका। ओके, मज़ा आया। चलिए फॉन्ट, फॉन्ट मतलब इसकी साइज, इसकी कलर, कलर तो इसमें है नहीं, कलर अगले में बताऊंगा, इसकी जो है स्टाइल वगैरह, ये सब दुका दुका है। चलिए इसको हमने सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपर कोई फॉन्ट स्टाइल है ब्लैक, अब जो सिलेक्ट करते हैं, साइज लेते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, नोट पैड में ही खासियत है, इसमें सिलेक्ट उलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। फॉन्ट में जाने के लिए आपको सीधे फॉन्ट में जाइए, क्योंकि एक साथ सारे को करता है ये, ठीक है। तो ये वाला लेना है, बोल्ड लेना है, साइज को कुछ छोटा बड़ा करना है, तीनों हमने कर दी। और ये यहाँ पर छिड़खानी हम नहीं करते हैं, आई राय की, ठीक है, यहाँ पर ओके, ठीक है। तो फॉन्ट बदलना, फॉन्ट यानी कि स्टाइल, लिखने की स्टाइल को बदलना, ओके, समझ में आ गया फॉन्ट में क्या है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एम एस वर्ड में बहुत सारी चीज़ें, चलिए वहाँ हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास था व्यू, व्यू में क्या है, कुछ भी नहीं है भैया, स्टेटस बार, स्टेटस बार जो नीचे आ रहा है ना, 100% विंडो सी आर एल ई यू टी एफ 8 लाइन 1 कॉलम 674, इसको हटाने के लिए भैया और कुछ नहीं है, ये टिक लगाना, क्लिक करें, हट गया वो, लो। तो स्टेटस बार आने के लिए क्लिक करो, फिर आ गया, आपकी मर्जी, आप स्टेटस बार रखना चाहते कि नहीं। जूम, जूम मतलब, जूम मतलब बताइए, जूम का नाम सुनते कैमरा याद आ गया भैया, कैमरा मतलब जूम इन जूम आउट। तो इन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे लिखाई जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। और स्टेटस बार में परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 हो गया है, तो 10-10% जूमिंग करता है, कहाँ गया, ये रहा जूमिंग। कंट्रोल्स के साथ प्लस करेंगे या माइनस बटन प्रेस करें तब भी हो जाएगा, तो बाद में कर लेना आप उसका ट्राई। जूम पे जाइए और आउट कीजिए, यानी कि कम कीजिए 120, ठीक है, 10-10% जूम को बढ़ाता है घटाता है, ठीक है, समझ आ गया। रीस्टोर डिफॉल्ट यानी कि जो भी हमारा 100% है वो पे आ जाए, आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारा है हेल्प, हेल्प में क्या, कुछ नहीं, सेंड फीडबैक देना है। अबाउट नोट पैड में जाएंगे तो आपको ये विंडोज़ दिखाएगा और इस प्रोग्राम को दिखाएगा, कॉपीराइट ये सब जो भी है दिखा देगा, आप पढ़ लेना आपके सिस्टम पे क्या है क्या नहीं है। और हेल्प में तो कैसे कुछ है नहीं, व्यू हेल्प, व्यू हेल्प तो यहाँ पर एक हेल्प की बॉक्स खुल जाता है या आपको यहाँ पर चला जाता है सीधे इंटरनेट पर। अभी इंटरनेट हमारा ऑन है इसलिए चला गया नोट पे, हेल्प नहीं नोट पैड, या दुनिया भर के हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्या था, सेंड फीडबैक। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो हमें तो नहीं देना भैया, तो वैसे ही सही है। अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों ये नोट पैड का चैप्टर आज ख़त्म है, एक ही दिन में लगभग 45 मिनट हो चुका है। और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप टाइपिंग जो सीखना चाहते हैं नोट पैड में, न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर देख के नोट पैड में आराम से जो है कि टाइपिंग कीजिए, ठीक है। और टाइपिंग सीख लीजिए, टाइपिंग सीखना बहुत अच्छा है अगर आगे अगर कंप्यूटर फील्ड को आप चूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो नोट पैड समझ आएगा। चलिए एक और सीक्रेट बताते हैं नोट पैड का। सीक्रेट नहीं भैया, सीक्रेट सीक्रेट गोपनीय चीज़। देखिए हम टाइप कर रहे हैं तो किस फॉन्ट में टाइप हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो वही फॉन्ट है। तो यहाँ घबराइए नहीं, आपको यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन जो होती है, कहाँ गया, ये टाइम्स न्यू रोमन जो होती है ये डिफ़ॉल्ट होता है और रेगुलर में होता है, और साइज होता है या तो 12 या तो 14, यानी कि 12x14, ठीक है। इसी साइज में ज़्यादातर काम चलता है। ओके, अब आता है कुछ नोटपैड का कुछ यूज़ के बारे में, क्या करेंगे। चलिए इसके लिए हमें क्या खोलना पड़ेगा, इंटरनेट खोलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा, 1 घंटा हमने बोला है तो 1 घंटा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए हमने गूगल खोल दिया, ठीक है, और गूगल गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं अपना चैनल ही खोल लेता हूँ, ठीक। अब अपना चैनल खोल लिया, ठीक है। अब कई वीडियो खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वीडियो है, तो अगर आप इस वीडियो की लिंक आपको भेजना है किसी को तो क्या करते हैं, एड्रेस एड्रेस बार बोलते हैं जी, इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, youtube.com वाचन जो दुका दुका लिखा है इसे कॉपी करते हैं और भेजते हैं, है ना, यही है ना। तो इसे भेजने का सबसे आसान तरीका, मतलब किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, यूट्यूब का एक वीडियो की लिंक किसी को भेजेंगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट को कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कंट्रोल सी, हर जगह सेम ही, कॉपी कीजिए और इसको आप सबसे आसान तरीके से छोटे फाइल में सिर्फ और सिर्फ नोट पैड से भेज सकते हैं किसी को। समझ नहीं आया, यहाँ पर आपने उसी वीडियो के बारे में कुछ भी लिख दिया आपने, MS वर्ड वीडियो, और इस नोट पैड फाइल को सेव कर दिया और जिसको भेजना था आपने उसको ये नोट पैड को भेज दिया, ठीक है। आसान तरीके, इसमें ढेर सारा आप लिंक सेव कर सकते, इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप फटाफट किसी को लिंक भेजना है तो भेज सकते हैं। या आपने कुछ सर्च किया है गूगल पे, ठीक है, मैंने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ सर्च किया, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आया है, हमने इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर सबसे जल्दी आपको भेजना है तो मैं तो आपको बोलूँगा आप नोट पैड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट आता है, आराम से आप किसी को भी भेज सकते हैं ऐसे फटाफट, ठीक है। MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा, वर्ड पैड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट पैड के इस तरह से बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक इस्तेमाल है। बाकी कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए और वायरस वायरस बनाने के लिए भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। तो आज का वीडियो इतना ही, दोस्तों नोटपैड के ऊपर था। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए, तो हम उस हिसाब से हम आपको वीडियो ज़रूर बना के देंगे, ठीक है। तो तकलीफ स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।